हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक डीएम एडिट्स। सो आज के इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप के डबल एक्सपोजर फोटो एडिटिंग, जो कि देखने को काफ़ी गजब का लग रहा है। तो इस टाइप के एडिट करने के लिए आपके पास पिक्सआर्ट एप्लीकेशन होना चाहिए, और इस वीडियो में जितना सारा बैकग्राउंड एंड पीएनजी ऐड होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले उन सारे वीडियो को वॉच कर सके। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपक, आप देख रहे हो डी एम एडिट्स। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस वाला बैकग्राउंड को इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद एड फोटो पर चला जाना है, देन आपको अपना मॉडल को इनपुट कर लेना है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके एक पीएन बैकग्राउंड अपना मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। देन मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसका बैकग्राउंड को इरेज करना है। बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए सबसे आसान तरीका पिक्सआर्ट में आपको कटआउट टूल यूज करना है। कटआउट टूल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा पार्सन, देन आपको पार्सन पर क्लिक कर देना है। सो पार्सन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस, ये हमारा पार्सन को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अगर कोई भी पार्ट आपका छूट गया है तो आपको कुछ इस टाइप से प्लस का मदद से आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ। सो गाइस, देख सकते हो गाइस कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड इरेज हो गया। ठीक है, सो बैकग्राउंड इरेज हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आपको इसको डुप्लीकेट कर देना है। सो इसको कुछ इस टाइप से इसको आपको पहले एडजस्ट करना है। ठीक है, सो एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ इस टाइप से इसको रख देना है, देन यहाँ पर आपको दिखाई देगा इरेजर। सो आपको इरेजर पर क्लिक करना है, देन इरेजर पर क्लिक करना है, फिर से आपको इरेज पर क्लिक करना है, देन साइज को अपना मुताबिक रखना है, देन आपको कुछ इस टाइप से आपको इरेज कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ आज। सो आपको भी कुछ इस टाइप से इरेज कर देना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इरेज कर देता हूँ। सो इरेज हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर इसको सेट कर देना है, देन आपको इस वाला मॉडल को कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सो एडजस्ट हो जाने के बाद अभी आपको इस वाला मॉडल पर क्लिक करके देन इसको डुप्लीकेट कर लेना है। सो डुप्लीकेट करने के बाद आपको इधर चला जाना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्लिप रोटेट। सो आपको फ्लिप रोटेट पर क्लिक करके आपको लास्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो इसको क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारा जो मॉडल है वो अभी उल्टा हो गया है। ठीक है, सो उल्टा हो जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप से इसको सेट कर देना है। सो सेट करने के बाद आपको ऊपर चला जाना है, देन आपको यहाँ पर दिखा था ओपासिटी। सो इसका ओपासिटी को आपको डिक्रीज कर देना है। ठीक है, तकरीबन इतना। सो इतना हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। सो डन करने का देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चला जाना है इफेक्ट के ऑप्शन पर। ये रहा इफेक्ट का ऑप्शन पर चला जाना है। इफेक्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर चला आना है एफेक्ट्स में। सो आपको एफेक्ट्स पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ढूंढना है, यहाँ पर आपको लोमो मिलेगा। ठीक है, लोमो। सो आपको लोमो पर क्लिक करना है, ये रहा लोमो। देन इसका लोमो को क्लिक करके इसका अमाउंट को आपको जीरो कर देना है, सन बिगनेट को आपको हल्का सा यूज करना है। ठीक है, इतना यूज करता हूँ। उसके बाद अभी आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। सो डन करने का देख सकते हैं फोटो काफ़ी गजब का लग रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, टूल्स का ऑप्शन पर चला जाना है।
सो टूल्स पर जाने का, तो आपको एडजस्ट पर जाना है, देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेचुरेशन, देन आपको सेचुरेशन को फुल्ली इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद अभी आपको इरेजर पर क्लिक करना है, देन आपको अपना फेस हैंड लेग से आपको कुछ इस टाइप से सेचुरेशन को रिमूव कर देना है। सो रिमूव हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ से डन कर देना है। सो डन करने के बाद फिर यहाँ से भी आपको डन कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ पर ड्रॉ टूल पर चला जाना है, देन फिर से आपको ड्रॉ पर क्लिक करना है। ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर लेना है, ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ से डन कर देना है। फिर आपको ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, देन सबसे पहला वाला ब्रश को आपको ले लेना है, देन इसको ले लेने के बाद साइज को एडजस्ट कर लेना है, देन आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके जूम एबिलिटी इसको ऑन करना है, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद ब्रश पर क्लिक करना है, देन इसका ओपासिटी को आपको 38 तक रखना है, उसके बाद आपको इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको नीचे से कुछ इस टाइप से आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ड्रॉ करने और देख सकते हो भाई अभी कितना डीएल लग रहा है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। तो डन करने के बाद देख सकते हैं हमारा फोटो काफ़ी गजब का लग रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको टैक्स ऐड करना है। टैक्स ऐड करने के लिए आपको टैक्स पर क्लिक करना है, तो अभी आपको यहाँ पर इसको टाइप करना है, ठीक है। तो मैं मेरा नाम लिख दे रहा हूँ। सो लिखने के बाद अभी आपको कुछ इस टाइप से इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा फंड मिलेगा, ठीक है। सो आपको जो जो फंड अच्छा लगता है वही फंड आप रख सकते हो, तो मैं फ़िलहाल इस वाला फंड को रखता हूँ। सो रखने के बाद सो आपको यहाँ पर इसको सेट कर देना है कुछ इस टाइप से। तो आपको इसको स्ट्रोक भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। सो देख सकते हो आज हमारा फोटो काफ़ी गजब का लगा है। तो अभी आपको सेव करना है, सेव करने के लिए आपको ड्रॉ पर क्लिक करना है, फिर से आपको ड्रॉ पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा 3 डॉट, देन सेव इमेज पर क्लिक करके फोटो को कर लेना है सेव। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।